नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत खुशी का दिन है आज सभी देशवासियों के लिए। देश में दोबारा से आज 6 वंदे भारत एक्सप्रेस और 1 वंदे मेट्रो ट्रेन, जो कि भारत की पहली वंदे मेट्रो है, वो लॉन्च हो चुकी है। तो आज की वीडियो में वंदे मेट्रो के लॉन्च के बारे में, इसके नए नेम के बारे में जानेंगे। दूसरी बात आपको बताऊंगा वंदे भारत ट्रेन के कलर से लेकर के, और तीसरी बात हमारी जो ये 6 वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई है इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन लॉन्च हुई भुज से अहमदाबाद के बीच में, और बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा। एक नई ट्रेन सर्विस भारत में आज इंट्रोड्यूस हो चुकी है और अब इसकी संख्या बढ़ेगी दिन ब दिन। बात रही इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग की, तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि आरसीएफ कपूरथला में इसके कोचेस बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रेन के नाम की, तो आज इस ट्रेन का न्यू नाम भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो कि आना ही था क्योंकि वंदे मेट्रो सिर्फ इंटरव्यू में ही लगातार बोला जा रहा था। अब इसको नमो भारत रैपिड रेल कहा जाएगा। अब यहां से एक चीज जरूर समझ में आती है, जब नमो भारत ट्रेन, जो कि हम रैपिड एक्स जिसको हम कहते हैं, लॉन्च हुई थी पहले, तो उस टाइम पर रेलवे मंत्री ने कुछ इंटरव्यूज किए थे और बताया था कि भारतीय रेल में भी इस तरीके की सर्विस आएगी, जो कि एक वंदे मेट्रो रीजनल और वंदे मेट्रो रैपिड कहलाएगी। तो आज नमो भारत नाम, जो कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कुछ ज्यादा पसंद आ गया, तो उन्होंने आखिरकार अपने पोर्टफोलियो में भी इस ट्रेन को शामिल कर लिया है। और एनसीआरटीसी की जो नमो भारत है वो अभी तक तो रेलवे का पार्ट नहीं थी, इसलिए वो नाम आज भारतीय रेलवे की लिस्ट में भी आ गया है एक नई ट्रेन के जरिए। दोस्तों इस ट्रेन के अंदर वो सभी तरह की फैसिलिटीज मौजूद है जो कि हमारी वंदे भारत ट्रेन में भी है। ऑटोमेटिक डोर की बात हो, मॉडर्न इंटीरियर्स की बात हो, अच्छी कुशनिंग हो सीट्स की, सीसीटीवी कैमरा से लैस हो, इंफोटेनमेंट बोर्ड्स इसमें मौजूद हो, और आरामदायक सफर के दौरान विंडोज का जो साइज है इतना बड़ा हो तो कितना ज्यादा आराम से कटता है सफर, और ये ट्रेन कामयाब हो गई रहेगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों जो इसका प्राइस है काफी कम है, मुंबई एसी लोकल से भी कम है, और सर्विस देखो कैसी मिल रही है, एक आम आदमी यहां पर आराम से चढ़ सकता है। दूसरी बात, अगर इसकी दूरी की बात करी जाए तो 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रही है। बात हुई थी कि 100 किलोमीटर तक हमारी रैपिड वंदे मेट्रो चलेगी और एक रीजनल वंदे मेट्रो भी आएगी आगे चल करके, बताया जा रहा था उस टाइम पे कि 200 से 250 किलोमीटर तक वो चला करेगी, लगभग इंटरसिटी ऑपरेशन उसका होगा। लेकिन यहां पर इंटरसिटी ऑपरेशन इसका होता हुआ दिख रहा है क्योंकि 300 किलोमीटर से ज्यादा चल रही है, नाम इसका रैपिड रेल रख दिया गया है, नमो भारत रैपिड रेल। तो मुझे लगता है कि अब इसका नाम जो है उससे डिस्टेंस कितना तय करेगी वो तय नहीं होने वाला है। सीधी बात यह है कि नाम तो यही होने वाला है, लेकिन ये उन्हीं जगहों पर लॉन्च की जाएगी जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जहां पे लोकल ट्रेन्स का एक पूरा जाल बिछा हो वहां सबसे पहले आएगी, सबर्बन इलाके हों चाहे वो, और बड़ी सिटी की तरफ जहां पर लोग रोजमर्रा के काम के लिए डेली जाते हों। प्राइस को देखते हुए मुझे खुशी दोस्तों इन लोगों के लिए, पहले इनको देखिए आप। जो ट्रेन मिला है वो हमको सपने भी ख्याल नहीं था कि ऐसा होगा, वो हुआ है। हमें भुजवासी को बहुत अच्छा, कच्छ को बहुत अच्छा आनंद मिल रहा है। तो दोस्तों ये वही लोग हैं अब जिनको बहुत ही ज्यादा आरामदायक सफर मिलेगा, अफोर्डेबल प्राइसिंग है, और इनको सफर का पता भी नहीं लगेगा, इतना अच्छे से इनका सफर कटेगा इन ट्रेनों में। चलिए तो इसके साथ में आज 6 वंदे भारत और जुड़ गई है भारतीय रेलवे के पोर्टफोलियो में, और ये 6 वंदे भारत आज 16 तारीख को लॉन्च हुई है और 6 वंदे भारत कल 15 तारीख को भी लॉन्च हो चुकी हैं। तो मेरी बात सही निकली, मैंने कहा था 10 नहीं 12 वंदे भारत लॉन्च हो रही हैं, और इसी के साथ में आज देश में 67 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कैच है कि एक वंदे भारत जो आज लॉन्च हुई है वो 20 कोच की वंदे भारत, देश की पहली 20 कोच की वंदे भारत, जो कि रिवर्स वंदे भारत है वाराणसी से दिल्ली के बीच में, ये रिप्लेस कर रही है पुराने कोच को। तो इसको भी अगर ना जोड़े तो 66 वंदे भारत हम मान सकते हैं कि आज देश में चल रही हैं। आज 16 तारीख की डेट में कौन कौन सी वंदे भारत लॉन्च होंगी उसमें मेरे को सिर्फ दो ही वंदे भारत लग रही थी जो होने वाली है, जिसमें आगरा कैंट वाराणसी का पक्का था, दुर्ग विशाखापट्टनम भी मैंने आपको बताया था लॉन्च होगी, तो ये दोनों लॉन्च हो चुकी हैं। और जो अदर वंदे भारत है जिसमें कोल्हापुर से पुणे के लिए वंदे भारत चल चुकी है, और नागपुर से सिकंदराबाद के बीच में वंदे भारत चल चुकी है, पुणे से हुबली के बीच में वंदे भारत ट्रेन चल चुकी है, और इसके साथ में ही 20 कोच की रिवर्स वाराणसी दिल्ली वंदे भारत भी चल चुकी है। और ये बिल्कुल सही जगह है वंदे भारत लॉन्च होने की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भी थी, इसलिए 20 कोच की वंदे भारत यहाँ पर आनी जरूरी थी दिल्ली से वाराणसी के बीच में। अब तीसरी बात, जो मैंने कलर की आपको बताई थी, तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ कमेंट्स मेरे को आते हैं कि ऑरेंज कलर की ही वंदे भारत बनती रहेंगी क्या, तो दोस्तों आपको बता दूं कि व्हाइट कलर की वंदे भारत पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं, इनको बनाया जा रहा है अभी भी। और जैसे कि कल हमने देखा हावड़ा और राउरकेला के बीच में हमारी पुरानी ओल्ड ब्लू और व्हाइट कलर की वंदे भारत लॉन्च हुई है,
और आज भी ऐसा ही हुआ। एक वंदे भारत जो कि कोल्हापुर से पुणे के बीच में लॉन्च हुई है, वो भी आज अपनी पुरानी कलर स्कीम में ही लॉन्च हुई है। तो अभी भी ये ट्रेन्स बन रही हैं, तो ये अच्छी बात है, रेलवे ने इस कलर को भी जिंदा रखा है। और वंदे भारत के पास आज दो कलर स्कीम मौजूद हैं, आगे और भी स्कीम लॉन्च हो सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है रेलवे इस पर काम शायद करेगा। बाकी आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, और आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपने अत्यारे विविध स्टेशन साथे कनेक्टेड छे, जाथी अब बद्धी आधुनिक ट्रेन्स रवाना थवानी छे। आवो आधुनिक भारत नी आधुनिक ट्रेन्स ने ताळियों थी आवकारिए। ट्रेन्स रवाना थई रही छे। भारत माता की। आज गुजरात के गौरव में एक और सितारा जुड़ा है। आज नमो भारत रैपिड रेल भी शुरू हुई है। ये भारत की अर्बन कनेक्टिविटी के लिए एक और मिल का पत्थर सिद्ध होने वाली है। आज अहमदाबाद और भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल चलने लगी है। नमो भारत रैपिड रेल देश में एक शहर से दूसरे शहर रोज आने जाने वाले हमारे मिडिल क्लास परिवारों को बहुत सुविधा देने वाली है। इसे नौकरी पेशा व्यापार कारोबार और पढ़ाई लिखाई से जो साथी जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। आने वाले समय में देश के अनेक शहरों को नमो भारत रैपिड रेल कनेक्ट करने वाली है। वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क को इन 100 दिनों में जिस तेजी से बढ़ाया गया है वो तो अभूतपूर्व है। इस दौरान देश में 15 से अधिक नए रूट्स पर नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। नागपुर सिकंदराबाद, कोल्हापुर पुणे, आगरा कैंट, बनारस, दुर्ग विशाखापट्टनम, पुणे हुबली, वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत तो अब 20 कोच की हो गई है। आज देश में 125 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें हर रोज हजारों लोगों को बेहतर सफर का आनंद दे रही है।